गुड मॉर्निंग, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैंने आप लोगों के लिए आज कुछ स्पेशल लाया है खाने के लिए। जिस जिसको पसंद है तो आ जाइए खाने। ये देखिए रसगुल्ला, किसी को खाना है तो आज मैंने रसगुल्ला सबके लिए लाई हूँ। जिस जिसको पसंद है लीजिए और खाइए और इंजॉय करिए। अभी हम सबको देने जा रहे हैं घर पे सबको रसगुल्ला, तो सब लोग खाएंगे। ये देखो तो चलिए अभी मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। पहले सबको मैं दे देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद मैं आती हूँ। और आप लोग भी खा लीजिए, यहीं से पूछ सकती हूँ। तो जिसको भी पसंद है एक एक उठाओ और खाओ फटाफट, ठीक है? और पानी चाहिए तो मैं ले आऊंगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ रही हूँ। और भगवान जी का मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। हमारे घर में छोटा सा मंदिर है। फ्रेंड्स, हम पूजा करके रेडी हो गए हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने पूजा इस तरह से किया। मैं रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो आज नाश्ते में हम सब लोग कैबेज था, तो बोले कि मंचूरियन बॉल्स बना दो। मंचूरियन ग्रेवी या ऐसा कुछ डाल के नहीं बनाना है, सिंपल सा बस उसका बॉल बना देना है। और भजिया के जैसा सब लोग खाने वाले वही, तो वो मैं जा रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा सा करके आई हूँ और पहले ही। तो अब जा रही हूँ मैं बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से बना। और चलिए फिर अभी मैं आपको बाद में किचन में मिलती हूँ, ठीक है? और आप लोग भी नाश्ते में सुबह ऐसा कुछ खाते हैं तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? फिर मिलती हूँ, चलिए। तो मैं मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। और मैंने ये कैबेज को कद्दूकस से अच्छी तरीके से धुल के और कस कर लिया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैंने गार्लिक भी इस तरह से छील लिया है इसमें डालने के लिए। और फिर हम उसके अंदर का अच्छी तरीके से पानी जो होता है वो गीला हो जाएगा, हम मैदा डालेंगे। आप इसमें वो भी डाल सकते हो अच्छी तरीके से क्रश करके, गाजर भी क्रश करके डाल सकते हो। हम इस तरह से इसका पूरा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि ये गीला ना हो। और जब गीला हो जाता है तो ऑयल ज़्यादा लगने लगता है, ऑयल पी लेता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हम इसको भजिया की तरह ही खाने वाले हैं। इस तरह से हमारा पूरा, मैं कैबेज को अच्छी तरीके से पानी निकाल लूँगी, फिर उसके बाद में मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। और ये देखिए हमारा पूरा पानी निकल के कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। मैदा इतना डालेंगे कि जितना अच्छी तरीके से बॉल बन जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। और हमने इसमें डिब्बे से ही निकालते हुए दिखाया है आप लोगों को। और क्योंकि थोड़ा सा लाइट चली गई थी इसलिए हमने इसी में ही दिखा दिया आप लोगों को। और ये मैंने मिर्ची और लहसुन जो मैंने छील के रखा था वो मैं अपने कूटने वाले में अच्छी तरीके से कूट लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर भी ऐड किया है, अदरक, आप लोग भी डालिए और अच्छा लगता है। ऐसे कभी प्लेन बना के, ऐसा नहीं कि मंचूरियन ही बनाओ, ग्रेवी बनाओ, ड्राई बनाओ, वैसा खाओ, ऐसा प्लेन भी अच्छा लगता है। हमारे घर में तो सब लोग ऐसे ही मंचूरियन बॉल्स ही पसंद करते हैं, तो हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं। किसी किसी दिन हम लोग ग्रेवी बनाते हैं, किसी दिन ड्राई बनाते हैं। ये मैंने सब कूट लिया है और मैं इसमें ऐड कर लूँगी, फिर उसके बाद में मैं मिक्स कर लूँगी। वो मैं आप लोगों को मिक्स करते हुए दिखाती हूँ फिर किस तरह से हमारा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। अभी मैं सारे कूटने वाले में अच्छी तरीके से निकाल लूँगी, क्योंकि मिर्ची और लहसुन और अदरक वेस्ट थोड़ा भी नहीं करना है हमें। तो इस तरह से हमारा सब निकल गया। मैंने ये सब दिखाया, ज़्यादा मैंने कुछ ऐड नहीं किया है इसमें, मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार, जितना आप लोग पसंद करते हो। हम लोग तो थोड़ा लाइट ही नमक पसंद करते हैं खाना। तो इस तरह से हम देखिए मिक्स कर लिए हैं अपना।
ऐसा ही मैं मैदा भी ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि मैदा भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो इस तरह से गोल गोल हम सारे राउंड बना लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप भी बॉल बनाइए, और आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी बनाइए। हम तो ऐसे ही बना के खाते हैं। इस तरह से मैं सारे बॉल बना लूँगी और मैं फिर कढ़ाई में डीप फ्राई करूँगी इसको अच्छी तरीके से। पांच छह बॉल बना के मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। छोटे छोटे बॉल का शेप थोड़ा मेंटेन रहे एक जैसा, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए ऐसे मैंने आपको पांच छह बॉल बना के दिखा दिए हैं। अब मैं इसको कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। ये मेरा तेल रीयूज़ है, मैंने एक बार इसको यूज़ किया कचौड़ी तलने के टाइम पर, तो मैं रीयूज़ कर रही हूँ तेल। ये देखिए मैं इस तरह से डाल दूँगी, और आँच लो मीडियम फ्लेम पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या है कि अच्छी तरीके से हमारा कैबेज और ये जो है वो सब पक जाएगा, तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट रहता है और बाहर से क्रंची हो जाता है, और गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में और सबको दे देंगे। ये देखिए हमारा निकल के रेडी हो गया है, अब हम सबको देने जा रहे हैं, सर्व करेंगे। तो देखो इसमें कितना अच्छा कलर आया है, और ऑयल भी नहीं दिख रहा है मैंने ऐसे। तो फ्रेंड्स मैंने सबको मंचूरियन बना के दे दिया और सबने खा लिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, सबको अच्छा भी लगा। चलो चलती हूँ अभी अपने रूम में, और यहाँ पे सब लोग ऐसे बैठे हैं। आप लोग बताओ क्या हो रहा है, कौन सा डोर बंद कर रहा है? अभी बंद कर देती हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डोर बंद करने की बात हो रही है, उजाला बहुत आ रहा है। आप लोग बताओ कैसे हो सब, आप लोग भी अच्छे होंगे। ये देखिए हमारा बाबू है पिक्कू। देखो आप लोगों को ये बाबू अच्छा लगता है क्या? आप लोगों को ये बाबू पसंद है? बताओ, सबसे हाय करो। हाय हाय। ये देखो हमारा पांशु है, इसका नाम प्रांशु है, तो हम इसको प्यार से बोलते हैं पांशु पांशु पांशु। देखो ये बहुत अच्छी तरीके से हंसता है, बहुत मस्त हंसता है, पूरा टाइम पास एकदम है। और अभी ये 4 मंथ का कंप्लीट हो गया है। ये देखो बाबू, इधर देखो, ये देखो सब लोग आपसे बात करने आए हैं। ये देखो बाबू, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत मस्त है। ये देखो किस कैसे हंसता है, चिकी 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 चिकी। जिसको हमारे बाबू की हंसी पसंद हो और ये रोज देखना चाहता हो, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ये बहुत अच्छा लगता है, देखो ऐसे बैठा है, और यही इसका चल रहा है, पूरे दिन मस्ती करता रहता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये वंदना का बाबू है, मतलब ये वंदना का लड़का, ये मेरे दुरानी का लड़का है, और मेरा सात्विक 2.5 साल का बेटा है, और ये मेरी देवरानी का बेटा है। बट बहुत ही क्यूट है, आप लोग वंदना का भी देखा करिए चैनल, कभी कभी आती है वो। और ये देखिए अब इसके लिए बिछाने के लिए आई है, क्योंकि ये क्या है, सुसु कर देता है। गर्मी में डायपर ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, कहीं बाहर जाना है नहीं, और घर में भी डायपर नहीं यूज़ करते हैं, तो ऐसा ही चलता रहता है। ये देखिए पांचू 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 छज्जे, हेलो कर लो, थोड़ी सी स्माइल दे दो, स्माइल। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रांशु बाय कर लो सबको, बाय बाय बिच्छू कर लो। तो देखा प्रांशु इधर मुकल लिया, इधर करो, इधर इधर इधर, ये बाय कर लिया सबको, आप लोगों को ये बाय कर रहा है, ठीक है।